यहाँ पर हम देखेंगे संविधान की मूल संरचना क्या है, क्या देखेंगे संविधान की मूल संरचना कैसी है, किस तरीके से, इसके बारे में हम देखेंगे। संविधान की मूल संरचना, मूल संरचना, जैसे कि मूल संरचना का प्रादुर्भाव की हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं मूल संरचना का प्रादुर्भाव क्या है, मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया है। शंकरी प्रसाद मामला जो कि 1951 में पहले संशोधन अधिनियम 1951 की यहाँ पर संवैधानिक वैधता को चुनौती यहाँ पर दी जाती है शंकरी प्रसाद मामले में, क्योंकि शंकरी प्रसाद जो मामला था, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का था 1951 का, और जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है, और अनुच्छेद 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं। संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो कि संवैधानिक नियम नहीं है, इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित करा करके बौद्धिक अधिकारों को संचित कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। लेकिन गोलकनाथ मामला जो कि 1967 का है, गोलकनाथ मामला, इस गोलकनाथ मामले में क्या बताया गया है, इस गोलकनाथ मामला है बनाम पंजाब सरकार का मामला है 1967 का। तो गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहले वाली स्थिति यहाँ पर बदल दी। इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। इसमें 9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाही को यहाँ पर जोड़ दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर एवं अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद ने मौलिक अधिकारों में न तो कटौती कर सकती है और न ही किसी भौतिक अधिकार को वापस ले सकती है। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है, इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने में ये सक्षम नहीं है। फिर जो गोलकनाथ मामला है 1967, इसमें सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की प्रक्रियाओं में संसद ने यहाँ पर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में अधिनियमित किया है, और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन कर दिया है और घोषणा किया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति यहाँ पर दी गई है, और ऐसे अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामला है, केशवानंद भारती मामला जो कि केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का है 1973 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को यहाँ पर प्रत्यादिष्ट यानी कि ओवर रूल कर दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 को वैधता को बहाल रखा और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, अर्थात किसी अधिकार को वापस ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत दिया कि संविधान की मूल संरचना का, इससे यहाँ पर इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद यहाँ पर क्या कर सकती है, संशोधन तो कर सकती है, संवैधानिक अधिकार उसे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। इसका अर्थ यह हुआ कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हुए हैं। तो संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इंदिरा गांधी यानी इंदिरा नेहरू गांधी मामला जो हुआ था 1975 में पुनः पुष्टि की गई। तो इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण मामला था 1975 का, इसमें पुनः पुष्टि की जाती है, और इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को यहाँ पर रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। न्यायालय ने कहा
यह प्रावधान संसद की यहाँ पर संवेदनकारी जो संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। पुनः न्यायपालिका के द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर यह घोषित किया कि संसद को विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों न हो। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामला जो हुआ था 1980 में, मिनर्वा मिल्स मामला बनाम भारतीय संघ का मामला था 1980 का, इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान यहाँ पर नहीं था। तो हम बात करें यहाँ पर जो कि संविधान की मूल विशेषता है, तो अनुच्छेद 368 से संबंधित इस मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी, क्योंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद उसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया सकता। दूसरे शब्दों में हम कहें कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपने संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती, अर्थात संविधान को रद्द अथवा उसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकती। सीमित शक्ति का अदाता यानी उपयोगकर्ता इस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। पुनः बामन राव मामला जो हुआ था 1981 का, बामन राव मामला है यहाँ पर किस किस के बीच में होता है, बामन राव मामला 1981 का बामन राव बनाम भारतीय संघ के बीच में था। सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियमित संविधान संशोधन पर लागू होगा। मूल संरचना के तत्व की हम बात करते हैं, मूल संरचना के क्या तत्व हैं, मूल संरचना के तत्व जैसे वर्तमान स्थिति यह है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित भी संशोधन कर सकती है, बशर्ते कि इसमें संविधान की मूल संरचना प्रभावित न हो। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना और उसके तत्व यहाँ पर घटकों के रूप में पहचान की जा सकती है, संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति की सार्वभौमिक लोकतांत्रिक एवं गणराज्यात्मक जो प्रकृति है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान का संघीय स्वरूप, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, कल्याणकारी राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, संसदीय प्रणाली, कानून का शासन, मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच सौहार्द एवं संतुलन, समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत जैसे कि अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को जो प्राप्त शक्तियां हैं, इन अभिलेखों की विषय वस्तु की हम देखेंगे। अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्ति। संविधान के ढांचे के मूलभूत विकास की बात करें कि जैसे मुकदमे का नाम हम देखेंगे कब मुकदमा हुआ है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या घोषित किया गया है, यानी मूलभूत ढांचे के तत्व क्या है, जैसे कि संविधान की सर्वोच्चता है। केशवानंद भारती बनाम यहाँ पर जो मामला है, केशवानंद भारती मामला कौन सा है, केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का मामला था 1973 का, मौलिक अधिकार मामला के नाम से ये विख्यात हुआ है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित किया गया था कि संविधान की सर्वोच्चता घोषित की गई थी, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र बताया गया था, गणराज्यात्मक एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार बताई गई थी, संविधान का संघीय चरित्र बताया था, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश और एक संसदीय प्रणाली के बारे में बताया गया था।
फिर एक केस आता है नेहरू इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू गांधी मामला, जो कि 1975 का केस है। चुनावी मामला के नाम से ये विख्यात है, इंदिरा नेहरू गांधी मामला। तो इंदिरा नेहरू गांधी मामला है बनाम राज्य नारायण खाता था ये 1975 का। इसमें क्या सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि भारत एक संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और व्यक्ति की परिस्थिति और अवसर की समानता, धर्म निरपेक्ष और आस्था और धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार लोगों की सरकार नहीं अर्थात कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है। फिर मिनर्वा मिल्स मामला आता है 1980 का। मिनर्वा मिल्स मामला बनाम भारतीय संघ का मामला था 1980 का। इसमें क्या बताया था सर्वोच्च न्यायालय ने, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देश सिद्धांतों के बीच सौहार्द्य एवं संतुलन। फिर एक केस आता है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला, 1980 का है सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला। और इसमें क्या बताया गया है, ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड बनाम जायसवाल कोल कंपनी का था 1980 का। इसमें क्या बताया गया था, न्याय तक प्रभावी पहुंच। फिर भीम सिंह जी मामला आता है 1981 का, भीम सिंह जी बनाम भारतीय संघ का मामला है 1981 का। इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक न्याय हो। फिर एसपी संपत कुमार मामला आता है 1987 का। एसपी संपत कुमार मामला जो 1987 का आता है, एसपी संपत कुमार बनाम भारतीय संघ का मामला है और ये कब का है, 1987 का है ये मामला, 1987 का है। इसमें कानून का शासन बताया गया है, न्यायिक समीक्षा बताई गई है। फिर पी संभामूर्ति मामला है, पी संभामूर्ति मामला जो कि 1987 का मामला है। इसमें पी संभामूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का मामला है पी संभामूर्ति मामला। इसमें कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा बताई गई है। फिर दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन मामला 1991 का आता है, दिल्ली दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन मामला, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य का मामला है 1991 का। और इसमें अनुच्छेद 32, 136, अनुच्छेद 141 तथा अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बताई गई हैं। फिर इंदिरा साहसी मामला 1992 का आता है, मंडल मामले के रूप में इसको चर्चित है, इंदिरा साहसी मामला है 1992 का है, इंदिरा साहसी मामला है। इसके अंदर इंदिरा साहनी बनाम भारतीय संघ का मामला है 292 का, इंदिरा साहनी ये कानून का शासन बताया गया है। इसमें कुमार पदम प्रसाद मामला है जो कि 1992 का है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बताई गई है। कि हो तो होलोहान मामला है, दल बदल मामले के रूप में चर्चित है 1993 का ये, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, संप्रभु लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्यात्मक ढांचा बताया गया है। रघुनाथ राव मामला है जो कि 1993 का है, इसमें समानता का सिद्धांत बताया गया है, भारत की एकता एवं अखंडता का सिद्धांत बताया गया है। फिर हम बात करें एस आर बम्बई मामला है जो कि 1994 का है, एस आर बम्बई मामला। इसमें क्या बताया गया है, एस आर बम्बई मामला है 1994 का, इसको हम बोल सकते हैं एल चंद्र कुमार बनाम भारतीय संघ का मामला 1993 का। इसमें यहाँ पर संघवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, सामाजिक न्याय और न्यायिक समीक्षा की बात यहाँ पर बताई गई है। फिर एल चंद्र कुमार मामला आता है 1997 का, उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत शक्तियां बताई गई है। फिर इंदिरा साहनी मामला आता है 2000 का, समानता का सिद्धांत बताया गया है। फिर ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामला आता है, इसमें स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली बताई गई है। कुलदीप नायर मामला 2006 का आता है, इसमें लोकतंत्र और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के बारे में बताया गया है। एम नागराज मामला आता है 2006 का, समानता का सिद्धांत बताया गया है। आई आर कोएलो मामला नवी अनुसूची मामले के रूप में चर्चित है, इसको कानून का शासन दिया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है, समानता का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं। राम जेठमलानी मामला 2011 का है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां बताई गई है। नमित शर्मा मामला आता है 2013 का, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा की बात बताई गई है। मद्रास कर एसोसिएशन मामला 2014 का है, इसमें न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियां यहाँ पर बताई गई है। तो ये अब तक का जो पार्ट है हमारा, जैसे कि भाग फर्स्ट है पॉलिटी का, वो खत्म होता है। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा है पॉलिटी के भाग फर्स्ट के अंदर, पॉलिटी के भाग फर्स्ट के अंदर हमने कुछ चीजें यहाँ पर देखी है, जैसे यहाँ पर पॉलिटी का जो फर्स्ट भाग फर्स्ट है उसके अंदर हमने संविधानी ढांचा देखा है कि किस तरीके से संविधान का ढांचा है।
संविधान के ढांचे में हमने उसकी ऐतिहासिक भूमि देखी है, संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ, संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, संविधान की प्रस्तावना क्या है, संघ एवं इसका क्षेत्र हमने देखा है, नागरिकता के बारे में देखा है, मूल अधिकार के बारे में हमने देखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने देखे हैं, मूल कर्तव्य हमने देखे हैं, संविधान का संशोधन हमने देखा है, संविधान का संशोधन किस तरीके से हो सकता है, और संविधान की मूल संरचना के बारे में हमने देखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सरकार की प्रणाली के बारे में, जिसमें हमें यहाँ पर संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, हम संघीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र राज्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राज्यीय जो संबंध है उनके बारे में पढ़ेंगे, आपातकालीन जो प्रावधान है उनके बारे में हम पढ़ेंगे।